फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम सभी लोगों का सफलता क्लास के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं धीरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का मोस्ट मोस्ट वेलकम करता हूं इस बेहतरीन सेशन में, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। भाई एक बार फटाफट बता दीजिए आप लोग, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सही है, सुमित कुमार कह रहे क्या हो गया। आ जाओ फटाफट भाई, आ जाओ, मैं आ गया। आप जब फ्लो में हो और कहीं से आवाज आए तो है ना, थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। चलो भाई, तो कोई नहीं। राधे राधे होशियार लाल जी, होशियार लाल जी आज मॉर्निंग क्लास में आप नहीं थे, है ना। चलो भाई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 बजे मैं डेली मुलाकात करता हूं आप लोगों से कंप्यूटर के स्पेशल सेशन में। तो एक बार फिर से इसी पार्ट में जो है डिस्कशन करने के लिए आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूं। और आज दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू, जितने भी एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चंस जहां से भी आए हैं आज तक, आज पार्ट 3 है, इससे पहले मैंने पार्ट 2 डिस्कस किया है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल, आप लोग यहां पे हमारे साथ बैंकिंग एग्जाम देना चाहते हो, UPSSC, RO, UPASI, सुपर टेट, आप इन सारे एग्जाम को अगर देना चाहते हो या कोई कोर्स करना चाहते हो तो आप इस क्लास को जो है जरूर अटेंड करो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ये सही है, ठीक है। By what, यहाँ आंसर दीजिएगा, By what other name is CDR? CDR को और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए। MCQs है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, CDR को किस नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए। अमीशा गौतम जी, आप लोग कई लोग तो ऐसे हैं जो मॉर्निंग की क्लास में थे ही नहीं आज, क्या बात है भाई, आज मॉर्निंग क्लास में आप क्यों नहीं थे, किसी चीज की नाराजगी है क्या, हाँ बताइए फटाफट। मौर्य टाइम पास, ये भाई हमारे बीच आ गए, मौर्य टाइम पास जी नाम। चलो इसका आंसर दीजिए फटाफट, By what other name is CDR is known as? जबरदस्ती कुछ भी, मतलब कुछ भी, सुमित जी मतलब कुछ भी, जबरदस्ती है। चलो भाई, गुड मॉर्निंग काजल जी, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, सीडी जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते हो अच्छे से, जैसे ऑप्टिकल डिस्क होता है, समझना ध्यान से, ऑप्टिकल डिस्क होता है। अब ऑप्टिकल डिस्क कोई पूछे क्या होता है, तो एक स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ध्यान समझना। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है ना, जैसे हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, वैसे ऑप्टिकल डिस्क भी होता है। और ऑप्टिकल डिस्क में दोस्तों क्या क्या आता है, सीडी आता है, ध्यान देना, डीवीडी आता है। जब मैं मतलब पढ़ाया करो अच्छे से, आप जब क्लास अटेंड किया करो तो कमेंट में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। ध्रुव तिवारी जी कोई बात नहीं, अनूप चौरसिया जी ठीक है, ठीक है, सुशील जी ठीक है। देखो आप पहले समझो, सीडी होता है, डीवीडी होता है, बीआरडी होता है और एचवीडी होता है, ये सारे ऑप्टिकल डिस्क होते हैं दोस्तों, है ना, ये ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसका यूज हालांकि कम होता है। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, है ना। और बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। और एचवीडी का मतलब होता है, एचवीडी का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क होता है, एचवीडी का मतलब होता है। अच्छा, यहां बोला गया सीडीआर का मतलब क्या होता है। अब सीडी कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं,
एक सीडी आर होता है, एक सीडी रोम होता है और एक सीडी आर डब्ल्यू होता है, सीडी आर डब्ल्यू होता है, ठीक है ना, सीडी आर, सीडी रोम, सीडी आर डब्ल्यू, समझो पहले ध्यान से, बिल्कुल। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 750 मेगाबाइट होती थी, स्टोरेज कैपेसिटी 750 मेगाबाइट। अब सीडी आर का मतलब क्या होता है, सीडी रोम का मतलब क्या होता है, सीडी आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। सीडी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे आप मार्केट में सीडी लेने जाते थे तो एक ब्लैंक सीडी मिलती थी आपको, ब्लैंक सीडी, खाली सीडी, और एक मूवी वगैरह आपने देखा होगा, मूवी या कुछ उसमें स्टोर रहता था, अगर आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, परचेज करते थे आप एंटीवायरस वगैरह, तो सीडी मिलता था आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर आपको सीडी मिलता था। तो दोस्तों रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क जो बाय डिफॉल्ट पहले से उसमें प्रोग्रामिंग कर, उसमें चीजें स्टोर करी गई है, आप केवल रीड कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते, मतलब कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो एक तो सीडी वो हो गया, एक सीडी हो गया रिकॉर्डेबल। आर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, देखो आर का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, ये इसका मतलब ये है, मिलेगा तो आपको खाली, मिलेगा तो आपको ब्लैंक, लेकिन केवल एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हो, केवल एक बार आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्डेबल। और इसका मतलब होता है रीराइटेबल, रीराइटेबल दोस्तों, रीराइटेबल मतलब आप इसे रीड और राइट भी कर सकते हो सीडी आर डब्ल्यू को। तो सीडी आर का मतलब रिकॉर्डेबल होता है, तो डब्ल्यू ओ आर एम मतलब इसका है, यही सीडी आर है। और पहला आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, डब्ल्यू ओ आर एम का फुल फॉर्म क्या होगा, राइट वंस रीड मेनी, इसका मतलब सीडी आर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। इसका मतलब यह है कि आपको ब्लैंक सीडी मिली, लेकिन एक बार कुछ उसमें स्टोर किया तो अब आप दोबारा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, केवल उसको रीड कर सकते हो, केवल यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? जैसे पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव यूज करते हो आप, तो पेन ड्राइव सीडी आर डब्ल्यू कैटेगरी में आएगा, सीडी आर डब्ल्यू कैटेगरी में आएगा, मतलब जो पीडी होता है, पेन ड्राइव होता है, उसमें आप चीजें स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, स्टोर करते हो, डिलीट करते हो, इसका मतलब रीड करते हो, राइट करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, तो ये रीराइटेबल होता है। रोम का मतलब जो पहले से उसमें, जैसे आप पेन ड्राइव, मैंने आपको कुछ चीज बेच दिया, मैंने कहा मैं पेन ड्राइव कोर्स बेच रहा हूं, तो वो आप स्टोर है उसमें, अब वो आप डिलीट नहीं कर सकते, अब वो केवल आप यूज करोगे, पढ़ाई करोगे, उसको देखोगे आप जो पेन ड्राइव कोर्स लोग देते हैं। और आर का मतलब खाली तो मिला है, केवल एक बार आप स्टोर, पहली बार आप जब लाओगे तो उसे स्टोर करोगे उसमें, दोबारा आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। मेरी बात समझ में आई ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चीजों को बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करता हूँ, और मेरा क्लास अगर आप करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ठीक है, चलो मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है चलो मैं आराम, शिवांगी सिंह जी कोई बात नहीं, आप आपने बोल दिया ना, मैं आराम से पढ़ाऊंगा। इट इज अ मालवेयर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ, बताइए यह एक मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद की प्रतिबिंब बनाता है, मतलब खुद की कॉपी को बनाता है, प्रतियां बनाता है, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, खुद की प्रतियां बनाता है, मतलब खुद की कॉपी बनाता है। अमीशा गौतम जी, सानिया जी, सुमित जी, अंशिका सिंह, राधे राधे, ठीक है। जितने लोगों ने डी आंसर दिया सबका गलत हो गया ना, इसका आंसर दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, मैं आराम से स्लो पढ़ा रहा हूं, परेशान मत हो, एक्चुअली सोचता हूं कम समय में ज्यादा पढ़ा दूं, है ना, ठीक है। अब देखो, देखो देखो देखो, एक्चुअली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मालवेयर किस चिड़िया का नाम है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मालवेयर किस चिड़िया, मालाबार तट नहीं है वो, केरल का तट मालाबार अलग है, मालवेयर के बारे में बोल रहा हूं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, नोट कर लीजिएगा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर ये होता क्या है, दोस्तों ये एक प्रकार का मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, एक प्रकार का हार्मफुल प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का हार्मफुल प्रोग्राम होता है माय फ्रेंड्स, क्या होता है, मतलब नुकसानदायक वाला प्रोग्राम होता है। तो मालवेयर एक प्रकार का हार्मफुल प्रोग्राम होता है, मतलब
अनवांटेड प्रोग्राम होता है। मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ इसको, मतलब अलग तरीके से मैं जितने तरीके हैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसे अनवांटेड प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवांटेड प्रोग्राम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर ये है क्या? हमारे सिस्टम में, हमारे कंप्यूटर में बिना हमारे परमिशन के ऐसे प्रोग्राम आ जाएं जो गलत तरीके से हमारे कंप्यूटर पे काम करें और हमें काम ना करने दें, फाइलों को डिलीट कर दें, सिस्टम हैंग होने लगे, ऑफ होने लगे, तो दोस्तों वो मालवेयर की कैटेगरी में आएगा। मालवेयर हालांकि वायरस भी होता है, वॉर्म भी होता है, स्पाईवेयर। देखो मालवेयर कितने होते हैं मैं बता दूं आपको, मालवेयर कितने होते हैं आपको मैं बता दूं, मालवेयर वैसे तो बहुत सारे होते हैं। वायरस भी मालवेयर है, वायरस भी मालवेयर है, वॉर्म भी मालवेयर है, स्पाईवेयर भी मालवेयर है ना, ट्रोजन हॉर्स भी, ट्रोजन हॉर्स भी मालवेयर है ना। अब मतलब ये सारे मालवेयर हैं, लेकिन यहाँ बोला गया ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो अपनी कॉपी खुद ही बनाता है, अपनी कॉपी खुद ही बनाता है, तो वो वॉर्म हो गया। वॉर्म, ठीक है ना। वॉर्म का मतलब यहाँ पे वही बात निकल के आई, राइट वंस रीड मेनी, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके सिस्टम में डाल दिया गया, अब वो बार बार अपने आप को रीड कर रहा है, अपने आप को रीड कर रहा है, मतलब अपनी कॉपी इतना बना रहा है कि आपके सिस्टम की, आपके सिस्टम में जो मेमोरी है वो फुल हो गई और आपको अब चीजें स्टोर नहीं करने दे रहा है नया चीज, क्योंकि आपने तो स्टोर कम किया है। मालवेयर प्रोग्राम वॉर्म अपने आपके सिस्टम में आकर अपनी कॉपी इतना बना लिया कि वो पूरा आपका स्टोरेज डिवाइस फुल हो गया, अब आप स्टोर नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक प्रकार का मालवेयर होता है जो अपनी कॉपी बार बार बनाता है, मतलब अपनी कॉपी जब बार बार बनाएगा सोचो फुल नहीं हो जाएगा आपका, एक समय ऐसा आएगा कि आपका सिस्टम फुल हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगा, है ना, ये चीजें, ठीक है। स्पीड तो नहीं है ना, बिल्कुल स्पीड तो नहीं है, आप लोग ना, आप लोग आंसर मैं देख रहा हूं आंसर कुछ ही लोग दे रहे हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं आपस में चैट करने में। चैट करो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता, आपस में आप बात करो, फ्रेंड्स हो आप लोग, आपस में कम्युनिकेट करो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आप जो डिस्कस में पढ़ा रहा हूँ आप उसको भी ध्यान दीजिए ना, है ना। वो तो वही बात हो गई कि क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप लोग आपस में बातें कर रहे हो, मतलब फिर ज्यादा गलत है ना, समझिए आप चीजों को, ठीक है ना। तो मालवेयर का मतलब क्या होता है? एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, हम चाहते नहीं कि हमारे सिस्टम में मालवेयर आए, इसीलिए बोलते हैं अनवांटेड प्रोग्राम, और इसी को हटाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम यूज किया जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो भाई सान्या जी, ठीक है अभी देख रहा हूं, इसका आंसर दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बिल्कुल अमीशा गौतम जी, मैं अयोध्या से हूं, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, प्रतापगढ़ तो समझ लो सुल्तानपुर के आगे पड़ोसी जिला है, जहां पे आंवला बहुत होता है ना, आंवला का प्रोडक्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मेरा प्रश्न है। इंडियन मैप जी आप, ठीक है क्या बात है शिवांगी सिंह, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। देखो भाई ज्योति शर्मा का आंसर आ गया है, अंशिका जी का आंसर आ गया है, अमीशा गौतम जी क्या हो गया, अमीशा गौतम जी को सॉक्ड हो गया लग गया, यास्मीन सिद्दीकी जी का आंसर आ गया है, अमीशा गौतम, ठीक है। अब देखो भाई, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सोल होता है। अब आपके दिमाग में ऐसा सोल का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा कि कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं जान लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं, ओएस को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर ये हमारे सिस्टम में ना हो, जिसका आंसर आता है उसी का आंसर देती हूं मैं, जो नहीं आता उसका आंसर नहीं देती हूं, ठीक है शिवांगी जी, अच्छी बात है, जय हिंद। तनु दुबे जी अभी आ रही हूं, ठीक है। दीपिका जी, दीपिका पादुकोण भी आ गई हैं, विकास जी, ठीक है समझो।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम के लिए वरदान है, आत्मा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। आपको पता है ना, आप जो अपना स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, अपना स्मार्टफोन मतलब इसके बिना आप रह नहीं सकते, वो भी बिना स्मार्टफोन के नहीं चल सकता। आप लोग यूज कर रहे होंगे एंड्रॉयड बेस्ड फोन, तो एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल का है, ठीक है, 2009 में गूगल ने डेवलप किया था। ऐसे विंडोज, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है और यूजर को यानी हमको और आपको काम करने के लिए इंटरफेस देता है। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कंपल्सरी और मैंडेटरी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक जो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है, कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन लॉज, ये गलत है। इज ऑलवेज सप्लाइड विद द कंप्यूटर, ये गलत है। कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प द ऑपरेशन ऑफ द, बिल्कुल सी। जितने लोगों ने सी आंसर दिया, मतलब तीसरा ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन जितने लोगों ने, हमारे जितने भी मित्र है ना, देवियों और सज्जनों ने तीसरा आंसर दिया है, तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को काम करने में सहायता प्रदान करता है। इसे नाम से पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करे, है ना, और इसीलिए इसे कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर मदरबोर्ड है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू है, वैसे सोल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है भैया। ये एक सॉफ्टवेयर है, कैसे सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा सही है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हो आप ध्रुव जी, ज्योति शर्मा जी, आपस से बात कर, शालू गई क्या तुम, मैंने भी सी दिया था, बिल्कुल। अंशिका सिंह जी, ठीक है। तनु दुबे, शालू से बात मत करो, पढ़ाई कर लो। होशियार ब्रदर, आई एम फाइन, ठीक है, नहीं ठीक है भैया, चलो। शालू किसका नाम है भाई, अंतिमा यादव, गुड मॉर्निंग अंतिमा यादव, लेट कर गई आप आने में, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कोड है, आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का कोड है, आंसर दीजिए भाई। भाई जितने भी लोग हैं, एक बार लाइक कर देना, सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक, क्या बात है, लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, रोज 10 बजे बता दें कि धीरेन सर कंप्यूटर का स्पेशल सेशन प्रोवाइड करते हैं, 9:15 पे जीए प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमसे देखो एक मतलब होता नहीं कि एक सर को बना लो अपना, कि मतलब ये सर डिस्कस करेंगे, उन्हीं से पढ़ना है, फिर आपको इधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली रूटीन बना लो कि 9:15 धीरेन सर के साथ जीए पढ़ना है, 10 बजे धीरेन सर के साथ कंप्यूटर पढ़ना है, कुछ भी काम कर रहे हो टाइम निकाल लो आप, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और बहुत दमदार कंटेंट दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, आप एक बार देख लो, एनालिसिस कर लो, फिर आप जो है मेरी बातों पर ट्रस्ट करो, ठीक है, चलो। होशियार लाल, थैंक यू, ठीक है, ये क्या हो गया, चलो देखो बाबू, इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड है, देखो ईपीरोम, ये तो मेमोरी है, देखो ये तो मेमोरी है, ये तो कंप्यूटर कोड हुआ नहीं। ईपीरोम का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, एक मेमोरी का टाइप है। जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये तो है नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा। जितने हमारे भाई बंधुओं ने, देवियों और सज्जनों ने चौथा नंबर ऑप्शन दिया है, चौथा नंबर ऑप्शन उनका सही है। ABCDIC का मतलब होता है एक्सटेंडेड, फुल फॉर्म भी आता है, फुल फॉर्म भी आता है, नोट कर लीजिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना, तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ABCDIC एक कोडिंग स्कीम है,
कोडिंग स्कीम, कोडिंग है, इसका नाम क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऐसे दोस्तों एक और कोड है, इसका नाम है ASCII, इसका नाम ASCII है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ASCII की बातें करते हैं ना, अरे यार पगले वो वाला ASCII नहीं, ASCII मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ASCII 1 और ASCII 2 है ना, वो बात नहीं कर रहा हूं। ज्योति शर्मा आप यहां से थोड़ी कमजोर हो क्या, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, हैं बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, पढ़ाई कर लो बेटा, जिंदगी बना लो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, वही ना बात हो गई। ASCII का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंटरचेंज कोड। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये भी ASCII एक कोडिंग स्कीम है, कोड जैसे EBCDIC कोड है ना, उसे ASCII भी कोड होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई ध्रुव बाबू मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप बातें करो, एंजॉय करो यार, लेकिन पढ़ाई भी तो करो ना, पढ़ाई का वक्त टाइम आधे घंटे का समय होता है मेरे पास, 9:15 से जीए क्लास लेता हूँ, 9:45 तक आधे घंटे, और 10:30 तक मेरा कंप्यूटर क्लास होता है, तो मैं सोचता हूँ कम समय में कितना ज्यादा दे दूं। अब इसी में कभी कभी स्पीड तेज हो जाती है, शिवांगी जी ने बोला कि सर स्पीड तेज है तो मैंने स्लो कर दिया, हालांकि है ना। डेटा इज जनरली कोडेड इन द 8-bit यूनिट्स, सच अ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड, डेटा को देखो डाटा नहीं बोलते हैं, कुछ लोग डाटा पढ़ते हैं, डाटा बोलना गलत है, डेटा बोलते हैं एक्चुअली। डेटा को आमतौर पर 8-bit इकाइयों में कोडित किया जाता है, ऐसी इकाई को भी कहा जाता है, आंसर दीजिए जरा, मतलब 8-bit यूनिट किसके बराबर होता है, क्वेश्चन है 8-bit यूनिट किसके बराबर होता है। देखो मैं बड़ा फ्रेंडली हूं यार, मैं बड़ा फ्रेंडली होके पढ़ाता हूँ, मतलब मुझे आपको लगेगा नहीं कि सर कोई मतलब इस तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब रूड टाइप से, ना कुछ नहीं, मैं इंजॉय करके पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को, बात करो कम्युनिकेट करो मजा आएगा पढ़ने में, है ना, इस तरह पढ़ाता हूँ एकदम डेडिकेशन के साथ, मजा आए पढ़ने में, है ना, पढ़ाई करो एकदम। होशियार लाल थैंक यू बाबू, बिल्कुल इंडियन मैप्स, बिल्कुल इंडियन मैप्स, थैंक यू, आप सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। देखो बाबू अब देखो, बिल्कुल भाई एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, पहले तो रोज सुबह 9:15 पर जीए क्लास में आया करो और 10 बजे कंप्यूटर क्लास में, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन ना हो तो मुझे सर्च कर लो धीरेन्द्र प्रताप सिन्हा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लो, उसमें मैं PDF वगैरह भेजता रहता हूँ, क्लासेस का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 8-bit किसके बराबर होता है, पहले मैं आपको बता दूं एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई का नाम क्या है, ठीक है, देखो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई का नाम क्या है, कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिट। अच्छा बिट का फुल फॉर्म क्या है, बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, ये बिट का फुल फॉर्म है। तो आपको पता है कि एक बाइट बराबर होता है 8-bit के, है ना, और 1024 bytes बराबर होता है 1 KB के, है ना, ये तो पता है आपको। तो दोस्तों एक बाइट 8-bit में 1 byte होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा, जितने हमारे दोस्तों ने जितने लोगों ने दो ऑप्शन क्लिक किया है, मतलब पिक किया है, वो सब सही है। विकास यादव जी टेलीग्राम, अगर आपने आपका टेलीग्राम अकाउंट है तो आप मेरा नाम सर्च कर लो, धीरेन्द्र प्रताप सिंह एजुकेटर, है ना, धीरेन्द्र की स्पेलिंग DHEEREENDRA, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, मैं मिल जाऊंगा, मुझे ज्वाइन कर लो, ताकि डेली मैं कम्युनिकेट जो करता हूँ, क्लासेस सफलता पर जो क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपको भेजता रहूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 8-bit में, मतलब 1 byte में 8-bit होता है, ठीक है ना। चलो भाई KB मतलब किलोबाइट होता है, ठीक है, 1024 KB बराबर किसके होता है पता है,
1024 केबी बराबर होता है 1 MB के, बता दे रहा हूँ, 1 MB के। 1024 MB बराबर पता है किसके होता है, 1024 MB पता है बराबर किसके होता है, नोट कर लीजिएगा, 1024 MB बराबर होता है 1 GB के। एक्चुअली ये मेमोरी यूनिट का मतलब क्या होता है आपने पूछा नहीं मुझसे, जो कंप्यूटर में चीजों को स्टोर करते हैं वो कितना स्टोर हो रहा है उसे कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप मेमोरी इकाई हिंदी में स्मृति इकाई बोलते हो, मतलब कितना स्टोर है। आप कहते हो सर मेरे पास 1 GB डेटा है, मतलब 1 GB मतलब 1024 MB के बराबर कितना डेटा आपके पास है। तो ऐसे 1024 एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि 1024 GB बराबर किसके होता है, और इसे एक्चुअली 2 to the power 10 बोलते हैं, इसे 2 to the power 10 बोलते हैं। 1024 GB बराबर होता है 1 TB के, 1 TB के, और 1024 TB बराबर होता है 1 PB के, PB मतलब पेटाबाइट, और 1000 पेटा मत लिख देना, पेठा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे आगरा का पेठा लिख दो, पेठा पेटाबाइट। 1024 PB बराबर होता है 1 EB के, ये सीरीज है, सबसे स्मॉलेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे स्मॉलेस्ट बिट, फिर 1 byte में 8 bit, 1024 byte बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 EB, ये exabyte होता है, exabyte है ना। सर आप कितना पढ़ाते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, अच्छा आप कितना पढ़ते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, मेगाबाइट, बिल्कुल मेगाबाइट, हाँ बिल्कुल। आप देखो 1024 EB बराबर कितना होता है एक्साबाइट, तो ये होगा 1 ZB के, ZB के, 1 ZB के, जिसे आप ZB बोलते हो, ZB बोलते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं दोस्तों, 1024 ZB बराबर होता है 1 YB के, 1024 ZB बराबर होता है 1 YB के, और YB मतलब होता है YB, YB, और 1024 YB बराबर किसके होता है, तो YB बराबर होता है 1 BB के, और BB मतलब क्या होता है, BB मतलब होता है ब्रोंटोबाइट। बोलो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, ये सब पढ़े थे, बिल्कुल तनु दुबे जी, बिल्कुल। सर आपसे एक बात पूछे हैं विकास यादव जी, पूछिए यार, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ, जो पूछना आप वो पूछिए। तो इसका आंसर बाइट हो जाएगा, इसका आंसर दीजिए फटाफट। मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज, चुंबकीय टेप के रूप में काम कर सकता है, इसका आंसर दीजिए फटाफट। देखो यहाँ पे ABCD हिंदी में ऐसे होना चाहिए ना, ठीक है सर, सेकेंड क्वेश्चन दो प्लीज, बिल्कुल नेक्स्ट सर। ठीक है, थैंक यू काजल जी, थैंक यू किरण तिवारी जी, थैंक यू तनु दुबे जी, थैंक यू सो मच ध्रुव तिवारी बाबू, थैंक यू सो मच। इसका आंसर दीजिए, मैग्नेटिक टेप कैन सर्व एज। चलो अब देखो, स्टोरेज डिवाइस में एक प्राइमरी स्टोरेज होता है और एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है, है ना। तो सेकेंडरी स्टोरेज में ही आपका मैग्नेटिक टेप काम करता है, ठीक है ना। इसी में आपका हार्ड डिस्क यूज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो भाई। हाँ कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ले सकते हो आप काजल जी। वो PRT SCR एक ऑप्शन होता है ना कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे एक ऑप्शन होता है PRT SCR, देखना कीबोर्ड के जो आपका लैपटॉप का कीपैड होता है उसके टॉप राइट साइड में एक ऑप्शन होता है, बटन होता है, मतलब PRT SCR, तो उसको क्लिक कर दोगे आप तो आपके स्क्रीन के सामने जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो कैप्चर हो जाएगा। तो उसको आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जाके पेस्ट कर दो, तो पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है शॉर्टकट की पेस्ट के लिए, तो आप वहां पे जाके पेस्ट कर दो, फिर उसको आप सेव कर दो डेस्कटॉप पे, कहीं भी सेव कर लो, तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। फिर से बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए
कीपैड पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एक बटन होता है कीबोर्ड में PRTSCR करके, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा वो कैप्चर हो जाएगा, उसी का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनता है वो स्क्रीनशॉट तो हो गया, अब वो आप कहां से मतलब कैसे उसका यूज करोगे, जैसे मोबाइल में क्या होता है सेव हो जाता है, वहां सेव नहीं होता है। तो वहां PRTSCR करके आप जाओगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे, कहीं भी जाओगे आप नोट पैड वगैरह, वहां पेस्ट कर दो, कंट्रोल प्लस वी कर दो, पेस्ट हो गया आपके सामने, उसको सेव कर दो, ये तरीका होता है। ठीक है ना, ठीक है। चलो सेकेंडरी इसका ऑप्शन हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इसका ऑप्शन हो गया। मैग्नेटिक टेप यूज होता है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में। बाकी प्राइमरी में क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, कैश मेमोरी होता है, वो सब प्राइमरी मेमोरी में होता है। ठीक है ना, चलो भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, उस भाषा का नाम बताइए जो कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, मतलब जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, देयर इज नो नीड टू एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, जहां पर किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर डायरेक्टली उसे समझता है, उस लैंग्वेज का नाम बताइए। मैंने कल बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कल मैंने बताया था, याद करो, कल मैंने समझाया था। ठीक है, चलो बिल्कुल सही आंसर है मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल जितने लोगों ने आंसर दिया है मशीन लैंग्वेज, बिल्कुल यू आर गाइज सारे लोग सही हैं, मशीन लैंग्वेज। देखो मैंने कल बताया था ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, मैंने अभी कल ही बताया था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है आपका, वो दो प्रकार का होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जैसे लो लेवल को ट्रिपल एल मतलब लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज HLL हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होता है और असेंबली लैंग्वेज होता है। तो मशीन लैंग्वेज आपका लो लेवल लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है ना, ये चीजें। आकांक्षा तिवारी जी सही हो जाएगा, परेशान मत हो, वो टेक्निकल फॉल्ट है, हार्डवेयर का इशू है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब दीजिए दोस्तों हमको इजाजत, आज के लिए इतना ही था, है ना, आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों से इंटरेक्ट किया एक बेहतरीन कंप्यूटर के MCQs के पार्ट पे। डेली आप लोगों को अगर क्लास करना हो तो भाई 9:15 पर जिए और 10 बजे कंप्यूटर का क्लास मेरा जरूर अटेंड किया करो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो ज्वाइन कर लो, ताकि हमसे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, मैं वहां पे आपका रिस्पांस करूंगा। दीजिए हमको इजाजत दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुलाकात करूंगा कल 9:15 पर जीए के साथ, 10 बजे कंप्यूटर के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।